नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर पटना से मिल रही है। पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के आवास को जबरन खाली कराया जा रहा है। मंत्री बृजकिशोर बिंद के सुरक्षा गार्ड अब्दुल जलील मस्तान के आवास पर पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान आवास खाली नहीं करने पर अड़े हुए हैं, जबकि मंत्री बृजकिशोर बिंद आवास खाली कराने पर अड़े हुए हैं। अब्दुल जलील मस्तान का सरकारी बंगला बृजकिशोर बिंद को आवंटित किया गया है और इस वक्त वहां बिल्कुल ड्रामे की स्थिति है, हंगामे की स्थिति है। जबरन बंगला खाली कराया जा रहा है, जबकि अब्दुल जलील मस्तान बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बंगला खाली कराना क्या बृजकिशोर बिंद का काम है? वो खाली कराने क्यों पहुंचे हैं? देखिए, जिला प्रशासन को साफ तौर पर भवन निर्माण विभाग से कह दिया गया है कि जो भी बंगला अभी तक खाली नहीं किए हैं पूर्व मंत्री, उनको हर हाल में बंगला खाली करवाया जाए। और यही वजह है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बंगला खाली करवाया जाए। और आज जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक बृजकिशोर बिंद के कुछ समर्थक और गार्ड पहुंचे हैं अब्दुल जलील मस्तान के आवास पर और वहां उन्हें जबरन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जबकि जो मस्तान है पूर्व मंत्री हैं और उनका कहना है कि मैं कई टर्म से विधायक रहा हूं और जब तक मुझे सही बंगला नहीं मिलता है तब तक मैं बंगला नहीं छोड़ूंगा। और इसी बात को लेकर के वहां पर खींचतान हो रही है, वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और जो स्थिति है वो तनावपूर्ण स्थिति है। एक तरफ से वर्तमान मंत्री हैं और एक तरफ पूर्व मंत्री हैं। वर्तमान मंत्री के जो समर्थक हैं और उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कह रहे हैं कि हर हाल में बंगला वो खाली करवाएंगे, लेकिन मस्तान बंगला खाली नहीं करने पर अड़े हुए हैं। जी, क्या ये एक ही बंगले की बात है आशुतोष, या फिर इसके बाद और भी जगह पर नंबर आ सकता है जो खाली नहीं हो रहे हैं? देखिए, कई बंगले हैं, सिर्फ मस्तान की बात नहीं करें। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी बंगला खाली नहीं किया है और उसको लेकर के आगे जिला प्रशासन की क्या रणनीति है वो साफ नहीं हो पाई है। लेकिन अब फिलहाल वही तैयारी चल रही है कि जो लोग, जो पूर्व मंत्री बंगला नहीं खाली किए हैं उनसे जबरदस्ती बंगला खाली करवाया जाएगा। तो इसके बाद इस तरह का हंगामा और भी देखने को मिल सकता है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में भारत का गलत नक्शा छप गया। प्रोस्पेक्टस पर छपे नक्शे पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि इस बीच कॉलेज के निदेशक अशफाक करीम का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि गलतियां सबसे हो जाती है। अब सवाल है कि क्या देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ छोटी बात है? आरजेडी सांसद अशफाक करीम के कॉलेज में देशद्रोह, देश के नक्शे से छेड़छाड़, अशफाक के लिए छोटी बात। अशफाक करीम आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, कटिहार में मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। इनके कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्रोस्पेक्टस छपा है जिसमें कश्मीर के कुछ हिस्से को नहीं दर्शाया गया। अशफाक करीम के कॉलेज के प्रबंधन ने पहले गलत नक्शा छापा और अब इसे छोटी गलती बताकर अपनी बड़ी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, गलतियां सबसे होती हैं, कटिहार है उसको दर्शाने के लिए ये छपता है। वाह, क्या तर्क है अशफाक करीम जी। आप राज्यसभा के सांसद हैं, एक सांसद से बेहतर कौन जान सकता है देश की एकता और अखंडता का मतलब। अभी कुछ दिन पहले ही आप राज्यसभा सांसद बने हैं। संसद में शपथ लेते वक्त आपने देश की अखंडता और एकता बनाए रखने की शपथ ली होगी, लेकिन लगता है आपको तो कॉलेज से होने वाली कमाई से मतलब है, आपको देश से तो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कमाई के लिए कॉलेज चलाते हैं अशफाक। देश हित से बड़ा है कॉलेज का प्रचार प्रसार। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने किया देशद्रोह, क्या अशफाक के खिलाफ होगी कार्रवाई? क्या साजिश के तहत की गई है गलती? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भूस्थानिक सूचना नियामक 2016 के अनुसार देश का गलत नक्शा छापना अपराध है। ऐसा करने पर 1 रुपए से 100 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, 7 साल की सजा हो सकती है।
यही नहीं, बिना सरकार के अनुमति के नक्शे का प्रसार और वितरण भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बाद भी अशफाक करीम गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अशफाक के बयान और उनके कॉलेज के कृत्य पर बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। मैं तो पहले ही कहा, भारत में एक साजिश चल रहा है भारत को तोड़ने की। भारत की अखंडता के साथ इस तरीके का समझौता हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मामला देश की एकता और अखंडता से जुड़ा है, लिहाजा अशफाक को आरजेडी का भी साथ नहीं मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का भी मानना है कि जो हुआ वो गलत हुआ, अशफाक को जल्द से जल्द गलती सुधारनी चाहिए। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, सही नहीं हुआ, नक्शा में जो गलती हुई है उसको सुधार के फिर से छपवाना चाहिए, उसका एक ही रास्ता है। इधर जी बिहार झारखंड पर अशफाक के कॉलेज की कारस्तानी की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई। जिला प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कटिहार मेडिकल कॉलेज आए और यहां इन लोगों के प्रोस्पेक्टस को जब्त किया है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है ये बात की बात है, लेकिन कटिहार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जो गलती की और उसके बाद अशफाक करीम ने जो सफाई दी वो माफी के लायक नहीं है। कटिहार से राजीव रंजन के साथ पटना से रजनीश, जी मीडिया। और अब बात करेंगे बिहार में हो रही विशेष सियासत की। तो बिहार के स्पेशल स्टेट को लेकर सियासत एक बार फिर से जोरों पर है। केंद्र सरकार के भेदभाव के आरसीपी सिंह के आरोपों पर आरजेडी ने सुर में सुर मिला दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हो हल्ला करने से नहीं, सही प्लेटफॉर्म पर बात रखने से बात बनेगी। बिहार में विशेष सियासत जारी। विशेष दर्जे पर जेडीयू और आरजेडी के सुर मिले। आरजेडी ने किया आरसीपी के बयान का समर्थन। इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फिस्कल प्रूडेंस का जब निश्चित कर लिया, किसी भी स्टेट से हमारा एफिशिएंसी किसी भी मानक पर कम, तो चाहे नेचर का इशू हो, चाहे इक्विटी का मामला हो, चाहे एफिशिएंसी का मामला हो, सब चीज में हमने काम किया है और इसके लिए हमको परिश्रम। हम तो कहते हैं आरसीपी सिन्हा जी को कि यह राजनीतिक, जब से आपका राजनीतिक भविष्य शुरुआत हुआ है, एक पहला काम आपने जो है अच्छा काम करने का काम किया और एनडीए सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाने का काम किया है। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग आपको साथ देंगे इस मुहिम में। अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के सुर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर मिले हैं। जेडीयू ने साफ किया है कि पार्टी ने विशेष दर्जे की मांग पर कभी समझौता नहीं किया है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लिए, बिहार के विशेष राज्य के लिए न अपना मुद्दा छोड़ा है और ना ही जनता दल यूनाइटेड गांधी, जयप्रकाश, कर्पूरी और लोहिया के विचारों से कोई समझौता किया है। 108 करोड़ जो इलाके हैं, जहां गुर्बत है, जहां गरीबी है, जहां बेबस है, जहां लोग प्यासे मर रहे हैं, जहां पानी के लिए, जहां शिक्षा के लिए लोग बेहाल हैं, हमारे पास उन लोगों के लिए पैसा, उन लोगों के लिए राशि मुहैया हो, इसलिए हम चाहते हैं कि वो लड़ाई लड़ा जाए। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग और उस पर सियासत सालों पुरानी है। हालांकि बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि बिहार को केंद्र की मोदी सरकार विशेष से ज्यादा देती है। इस बार भी बीजेपी ने विशेष दर्जे पर हो हल्ला करने वालों को सही जगह पर बात रखने की सलाह दी है। यहाँ हल्ला करने से यहाँ तो नहीं होगा, वो उसका जो कायदा कानून है उस हिसाब से होगा। बिहार को मदद मिलनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं। आप जो पैसा लेते हैं उसका सही उपयोग कर पाते हैं कि नहीं, कि पैसा आप लौटा देते हैं, ये सब ही नहीं होना चाहिए। बिहार में संसाधन की कमी है। देश के साथ विकास की रफ्तार में कदम ताल करने के लिए बिहार को विशेष मदद की दरकार है, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी अड़चने हैं जिस पर सालों से जीत कायम है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। क्या बिहार जेडीयू के नेता गुस्से में है? कल बिहार के विशेष दर्जे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने आंखें तरेरी थी।
आज पार्टी के दूसरे नेताओं ने तल्ख बयान दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर जेडीयू के नेता किससे नाराज हैं, क्यों इतना तल्ख बयान लगातार जेडीयू की तरफ से सामने आ रहा है। जेडीयू के नेता हैं नाराज, किसके खिलाफ है जेडीयू की नाराजगी, किसे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं जेडीयू नेता? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेडीयू के नेता एक के बाद एक तल्ख बयान दे रहे हैं, कभी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तो कभी सीएम नीतीश कुमार के कद को लेकर। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का ये बयान सुनिए। जो विकास का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पहला पथ था हमारा। जेडीयू एमएलसी रणवीर नंदन इस बात पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों से जो काम हो रहे हैं उसका फायदा दूसरे दल को मिल रहा है। जाहिर है रणवीर नंदन का इशारा सहयोगी बीजेपी की ओर है। हमारे आंशिक विचार करते हैं राजनीतिक शक्ति उत्पन्न करनी, हमें अपने कार्यों से राजनीतिक शक्ति उत्पन्न करनी। अगर राजनीतिक दल के कार्य करता और राजनीतिक दल के कार्य करता है तो जो भी राजनीतिक कार्य है उसमें हमारी सत्ता होनी चाहिए। कल से लेकर आज तक जेडीयू नेताओं के इन बयानों के बाद ये साफ हो गया है कि जेडीयू के नेता वर्तमान राजनीति में बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि आरजेडी के नेता जेडीयू नेताओं की नाराजगी पर तंज कस रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि इन सब बातों पर आपने जब महागठबंधन छोड़ के वहां गए तो उस पर डील हो जाना चाहिए, वो आपने किया नहीं। आज ये आप बोल रहे हैं, ये बिहार का प्रेम आपसे नहीं बुलवा रहा है। ये राजनीति में जो आप दरकिनार होते चले जा रहे हैं उसका भय जो है आपसे बुलवा रहा है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन बिहार के विकास के नाम पर हाल के दिनों में नेताओं के सुर बदले हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू में नाराजगी का रंग इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक में हैं। यहां नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। पहले दिन नीतीश कुमार ने बेंगलुरु से 260 किलोमीटर दूर चेन्नागिरी विधानसभा इलाके में चुनाव प्रचार किया। कर्नाटक में जेडीयू ने 34 सीटों पर अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा है। जेडीयू के उम्मीदवारों में 3 पूर्व एमएलए और आधा दर्जन से ज्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार कल बेंगलुरु से पटना लौट आएंगे। आपको बता दें कि बिहार से बाहर जेडीयू लगातार अपने संगठन को विस्तार देने की कोशिश में लगा हुआ है और चुनावों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश भी जेडीयू की लगातार वहां पर जारी है। बिहार के जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने अभी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नौशाद आलम का दावा है कि वो उम्मीदवारी की रेस में हैं। यही नहीं, नौशाद आलम ने यह भी दावा किया है कि अगर टिकट मिला तो उनकी जीत तय है। सीट हम जीत जाएंगे क्योंकि हम जोकीहाट के लोकल हैं और जोकीहाट का लोगों में सेकुलर आदमी का भी जरूरत है। हम बहुत सेकुलर और सब लोगों के जाति तबके में हमारी पकड़ है सर। अगर सीट हमको ये जदयू अगर पार्टी हमको टिकट देती है, प्रत्याशी के रूप में हमको घोषित प्रत्याशी मानती है, तो हम उस सीट निकाल लेंगे अपार मतों से सर। और अब बात करेंगे राज्य में अपराध की बढ़ती खबरों की। तो सहरसा में जमीन विवाद में एक भाई ने भाई और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर बाढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जबकि दानापुर में अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। डबल मर्डर से सनसनी, सहरसा में रिश्ते का कत्ल, जमीन के लिए ली जान। सहरसा के सितुआहा टोला के निवासियों की नींद आज गोलियों की तड़तड़ाहट से टूटी। लोग सो रहे थे तभी एक भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी के सिर पर ऐसा खून सवार था कि उसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। एक महिला और बच्चे को भी गोली लगी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीन भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पिता ने छोटे भाई को जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी, जिससे नाराज मंझले भाई ने छोटे भाई और पिता को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले हबीब दादा
अपने सबसे छोटे पुत्र अशोक यादव को कुछ जमीन केवाला कर दिए। जमीन केवाला कर दिए जाने के कारण परिवार में विवाद चल रहा था और जमीनी विवाद को लेकर ही अगले सुबह विनोद यादव के द्वारा अपने पिता हरदेव यादव एवं भाई अशोक यादव की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। बाढ़ में भी डबल मर्डर, दो महिलाओं की हत्या से सनसनी। पटना जिले के बाढ़ में 24 घंटे के अंदर दो महिलाओं की हत्या कर दी गई। एक महिला का शव इब्राहिमपुर पंचायत के सलेमपुर गांव से बरामद किया गया तो दूसरी महिला का शव पंडारक थाना क्षेत्र के ममरखाबाद गांव से हुआ है। सलेमपुर गांव में चंदा देवी नाम की महिला की हत्या अपराधियों ने गोली मार कर की है तो वहीं ममरखाबाद गांव में महिला की हत्या अपने ही परिवार के लोगों ने जमीन के लिए पीट पीट कर की है। फिलहाल पुलिस इन मामलों की जाँच कर रही है। दानापुर में मर्डर से दहशत, दुकानदार की गोली मारकर हत्या। दानापुर के शाह थाना क्षेत्र के शिवाला सरारी पावर ग्रिड के पास अपराधियों ने गन्ने का रस बेचने वाले दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम बाइक पर सवार दो अपराधियों ने दिया। मृतक की पहचान दरियापुर के रहने वाले बिरजू चौहान के रूप में हुई है। घटना की जानकारी के बाद शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरा रेलवे स्टेशन परिसर में 4 मई को हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 6 से 7 अपराधी हाथ में बंदूक लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके आगे दो युवक भी भागते हुए दिख रहे हैं जिनकी हत्या की गई। तस्वीरें रात 8 बजे की है। हालांकि तस्वीरें धुंधली होने की वजह से अपराधियों का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन परिसर में 2 दिन पहले रात को तकरीबन 8 बजे 3 लोगों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सरेआम हत्या कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। बांका के भुइयाडी में 4 बच्चों की एक मां ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला के साथ किशोर ताती नाम के शख्स ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की घटना से पीड़ित महिला सदमे में थी और बच्चों को घर से बाहर भेजकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज किया। पुलिस दुष्कर्म की बात से इनकार कर रही है। अब सवाल है कि क्या पुलिस आरोपी को बचाना चाहती है। खबर सुपौल से, जहां कोसी बैराज से बच्चों को घुमाकर लौट रही बस पलट गई। इस दुर्घटना में 10 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चे पूर्णिया के मिर्चाई बाड़ी मध्य विद्यालय के हैं जो कोसी बैराज देखने सुपौल आए थे। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार तेज थी जो SH-91 पर पलट गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। अगली खबर बिहार क्रिकेट संघ के विवाद से जुड़ी हुई। बिहार क्रिकेट संघ में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार क्रिकेट संघ ने आदित्य वर्मा के बेटे लखन राजा को निलंबित कर दिया। लखन राजा IPL में चेन्नई सुपर किंग्स कैंप के खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि आदित्य वर्मा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव हैं और फिलहाल BCA और CAB में हितों का टकराव चल रहा है। इस लखन राजा के निलंबन को हितों के टकराव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। बिहार क्रिकेट में इन विवादों के बाद अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार के खिलाड़ी